8 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किए हुए। मैंने मार्केट के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हुए मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं। और ऑप्शंस ट्रेडिंग जो मैं आज करता हूं, जो भी मैं करता हूं, ऑप्शन सेलिंग करता हूं या जो भी मैं अभी कर रहा हूं, उसे करने के लिए मुझे बहुत सी मेथड यूज़ करनी पड़ी, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू जाना पड़ा और कुछ गलतियां करी हैं, हालांकि कुछ नहीं, बहुत सारी गलतियां करी, उसके बाद जाके आज जो मैं कर रहा हूं वो मैं कर पा रहा हूं। और इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सी सेल्फ ऑब्जर्वेशन की है और बहुत सारे लोगों से मिला हूँ थ्रू सोशल मीडियाज में, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ये जो 5 मिस्टेक्स हैं ना वो रिपीटेडली करते ही करते हैं और जिनकी वजह से उनका ऑप्शन ट्रेडिंग ना लूजिंग ट्रेडिंग में बन जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इन्हीं 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा और आपको अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको टैकल आउट कर सकते हो, आप इसको हैंडल कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो कॉमन मिस्टेक है वो हर कोई करता है, वो जंपिंग इनटू द ऑप्शंस विदाउट नोइंग इट्स बेसिक्स। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग सबको करना होता है बट उन्हें बेसिक्स भी नहीं पता होता है, जस्ट बिकॉज कि सोशल मीडिया पर ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत फेमस है इसीलिए वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चीपर पड़ता है एंड जहां से उन्होंने टिप्स ले रखा है वहां पे भी ऑप्शंस में ही आपको उनको टिप्स मिलता है, तो इसीलिए वो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं और उन्हें लगता है कि यार बहुत इजीली प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं। तो बहुत से लोगों को ना कॉल का डिफरेंस पता होता है, कॉल पुट में क्या डिफरेंस है वो नहीं पता होता है, उनकी प्राइसिंग कैसे काम करती है ऑप्शंस की और उनकी प्रीमियम कैसे काम करते हैं वो भी नहीं पता होता, वोलेटिलिटी की कोई नॉलेज नहीं होती है और वो ऑप्शंस ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक्स क्लियर कर लो कि ऑप्शंस की बेसिक्स क्या होती है, उनके प्रीमियम्स कैसे इफेक्ट करते हैं मार्केट के हिसाब से, उनके अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से कैसे इफेक्ट करते हैं, उनके ग्रीक्स जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली डेल्टा एंड थीटा। थीटा तो जानना बहुत जरूरी है अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो, तो टाइम डिके का महत्व बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने बाय कर रखा था, 2 दिन बाद देखे मार्केट ऊपर उठा है बट मेरे बाइंग प्राइस से ऊपर उठा है बट मेरा जो ऑप्शंस है वो बढ़ ही नहीं रहा, उल्टा नेगेटिव में जा रहा है। तो ये होता है टाइम डिके की वजह से, जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक आते जाता है और मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी आपको नहीं दिखेगी तो आपका जो प्रीमियम है वो डिके होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें बेसिक नॉलेज है जो आपको क्लियर आउट कर लेना चाहिए ऑप्शंस ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियोस मैंने बना रखा है और भी मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए लाऊंगा जहां पे मैं ऑप्शंस कैसे बाय करते हैं, सेल करते हैं और किस तरीके से आपको वो प्रैक्टिकली होता है इन द मार्केट, वो मैं सारी चीजें दिखाऊंगा, तो उसके लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि डूइंग ऑप्शन बाइंग जस्ट बिकॉज इट्स चीपर। आप 5,000, 10,000 और कुछ कुछ ऑप्शंस तो आप 2,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो लोगों को लगता है कि कैपिटल कम है, इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है तो मैं इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूं, और ऑप्शंस जो सोशल मीडिया पर आपको दिखाए जाते हैं कि ऑप्शंस में बहुत पैसा बनता है तो आपको लगता है कि कम पैसे में मैं बहुत ज्यादा पैसा बना सकता हूं, आपकी कोई ट्रेडिंग स्टाइल नहीं होती, आपकी कोई ट्रेडिंग स्किल नहीं होती उस वक्त, एंड जस्ट बिकॉज कि सभी कर रहे हैं आपको शो किया जाता है 0 to 0 प्रोग्राम की, आपको मैक्सिमम जो लूज करोगे आप इतना ही लूज करोगे जो आपकी प्रीमियम है, और आप जो अगर विन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा विन कर रहे हो तो अनलिमिटेड प्रॉफिट्स है, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो एंड आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड का आपको एक सेल्फ पोर्ट्रे किया जाता है कि हाँ देखो रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा होता है इसमें, जस्ट इसीलिए आप ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करना शुरू कर दो। तो बट आप उस ट्रेड की मार्क आपने जो ट्रेड लिया है उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है वो भूल जाते हो, मार्केट का क्या बिहेवियर है वो भूल जाते हो, मार्केट में क्या वोलेटिलिटी चल रही है वो भूल जाते हो एंड एंड अप लूजिंग योर कैपिटल। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, हालांकि सारी ट्रेडिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर है बट ऑप्शंस ट्रेडिंग बेसिकली आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आपका व्यू, आप जो मार्केट ट्रेडिंग स्किल है आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर आप शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा व्यू बनाते हो, आपकी जो स्किल है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे बहुत अच्छी है तो आप ऑप्शन बाइंग के लिए जा सकते हो, बट अगर आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बहुत अच्छा है, जैसे कि आपको रेंज पता चल जाता है कि लॉन्ग टर्म में इतना मार्केट मूव कर सकता है, तो उसमें आप ऑप्शन सेलिंग के लिए जा सकते हो। तो ये आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पहचानना बहुत जरूरी है रादर देन आपको ये जानने से कि हाँ कम पैसा पे आप ट्रेड कर सकते हो, ये आपका मोटो नहीं रहना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही एक प्रोफेशनल गेम है, प्रोफेशनल बिजनेस है, हालांकि ट्रेडिंग सारा एक प्रोफेशनल बिजनेस है तो आप उसको प्रोफेशनली देखो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करो कि आप मार्केट को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, आपकी ट्रेडिंग स्किल कितनी अच्छी है, किस बेसिस पर अच्छी है, उस हिसाब से आप अपनी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज एंड ऑप्शंस की जो स्टाइल, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करो और ये मिस्टेक्स अवॉइड करो। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि नॉट हैविंग अ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। हालांकि ये जो पॉइंट है वो एप्लीकेबल है हर एक ट्रेडिंग फॉर्म पर बट ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये
बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे मान लो मार्केट एक यूनि डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है तो लोग उसी डायरेक्शन के ऑप्शंस को बाय करना शुरू करते हैं और वो भी वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं जो उनके बजट को डिफाइन करता हो। जैसे उनके पास 5000 रुपीज है, वो उतने ही आउट ऑफ द मनी के प्राइस को बाय करेंगे जो उनके 5000 रुपीज में आ सकता है। जो ये मेजरली मिस्टेक करते हैं, बट उसमें प्रीमियम डिके भी थीटा बहुत हाई होता है, वो ये भूल जाते हैं। एंड जैसे जैसे मार्केट, अगर मान लो उनका कोई स्टॉप लॉस नहीं होता कि मार्केट अगर मान लो उनके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो ये उस उम्मीद में रहते हैं कि नहीं कभी तो कभी आएगा, और एक्सपायरेशन तक जाते जाते उनका जो प्रीमियम है वो पूरा डिके हो जाता है। तो आपको हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सुटेबल होगा आपके लिए, कौन सा एक्सपायरी आपके लिए सुटेबल होगा। आपको अपने बजट के हिसाब से नहीं, ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आपको बजट लेकर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। एक स्टॉप लॉस के साथ हमेशा ट्रेड करो, अगर आप ऑप्शन बाइंग करो तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। एंड जो स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग में भी है, आपको जस्ट लगता है कि रैंडमली कोई स्ट्रैटेजी अगर हम लोग पिक कर लेंगे और उसको ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है। एडजस्टमेंट्स का काम आता है कि अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो आप उसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए एज एन ऑप्शन ट्रेडर, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ों का हमेशा एक प्लान रखो कि ये प्लान है मेरा, अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो अगर मेरे इस डायरेक्शन से नीचे जाएगा तो मैं कट कर दूंगा नो मैटर वॉट, ठीक है, मैं वेट नहीं करूंगा। दूसरी चीज़ है जो अगर आप जो सही एक्सपायरेशन है, कौन सा एक्सपायरेशन, आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करो तो नेक्स्ट एक्सपायरेशन कॉन्ट्रैक्ट को आप सेलेक्ट करो, अगर एक्सपायरेशन के नज़दीक आप ट्रेड कर रहे हो तो। एंड कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना चाहिए, ज़्यादा फार आउट ऑफ द मनी आप ट्रेड ना करो जस्ट बिकॉज वो चीपर पड़ता है इसीलिए। तो ये सारी चीज़ें बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है वो है कि चूजिंग रॉन्ग पोजिशन साइजिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में पोजिशन साइजिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो पोजिशन जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो एक लिवरेज, हाईली लिवरेज प्रोडक्ट है, और पोजिशन साइजिंग को लेकर लोगों के मन में ये होता है कि पोजिशन साइजिंग जो है वो आपको कम ही रखना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आपको पोजिशन साइजिंग जो ये फियर एंड ग्रीड का जो ये दो इमोशंस है ना, ये बहुत मैटर करता है पोजिशन साइजिंग को लेकर। आपको इतना भी ज्यादा नहीं रखना चाहिए कि आप एक बार अगर आपके अगेंस्ट में ट्रेड गया तो आप अपनी नींद भूल सकते हो, आप पूरे टेंशन में आ जाओ, वो चीजें आपको बॉदर करने लगी, वो उतना भी हाई नहीं रखना और उतना भी कम नहीं रखना है कि अगर आपके आपने कोई आपकी जो ट्रेडिंग प्लान है उस पर अगर कोई ट्रेड बैठ रहा है या कोई सेटअप पे आ रहा है जो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे सकती है, तो इतना भी कम ना लगे कि अगर आपने वो ट्रेड लिया है और आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो उतना भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है आपकी पोजिशन साइजिंग की वजह से। तो आप हमेशा पोजिशन साइजिंग को चूज करने की वजह में दो वे चूज कर सकते हो, आइदर आप परसेंटेज वाइज चेक कर सकते हो या मनी वाइज चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दोनों वाइज आप चेक कर सकते हो, जैसे मनी वाइज कि आप एक ट्रेड में कितना 1000, 10000 या 5000 आपकी इतनी लूजिंग कैपेसिटी है, तो उसी हिसाब से आप अपनी पोजिशन साइजिंग चूज करो। हमेशा लूजिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप अपनी पोजिशन साइजिंग चूज करो। आप अगर एक बड़ा पोजिशन साइजिंग बना रहे हो तो उसमें भी ये देख लो कि अगर आप 10000 या एक ट्रेड में अगर 10000, 15000 आप लूज कर सकते हो तो आप बड़ा उस हिसाब से अपनी पोजिशन साइजिंग बिल्ड करो। हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रेड जाता है तो आप उस लॉस को बेयर भी कर सको, ठीक है। तो अपने लॉस को हिसाब से, लॉस को दिमाग में रखते हुए आपको पोजिशन साइजिंग चूज करनी है। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग द वोलेटिलिटी। ऑप्शन ट्रेडर्स जो नए नए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको वोलेटिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता उनके ट्रेडिंग स्टाइल में, तो आपको वोलेटिलिटी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप इंडिया विक्स देखो तो इंडिया विक्स जो है वो है इंडियन वोलेटिलिटी मार्केट की वोलेटिलिटी मेजरिंग गॉज। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं तो वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो कैसे इंपैक्ट करता है ऑप्शंस को, तो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपको वोलेटिलिटी वो हमेशा ध्यान रखनी है, अगर विक्स लो होता है, वोलेटिलिटी लो होती है तो आपको ऑप्शन बाइंग से थोड़ा सा अलग होना चाहिए क्योंकि उस समय जो थीटा डिके होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है उसके प्रीमियम से, ऑप्शंस के प्रीमियम में। जब वोलेटिलिटी हाई होती है तो आपको अपने जो स्ट्राइक प्राइस है उसको आपको डिफर करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करो तो उसको आपको अलग चूज करना चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको वोलेटिलिटी ध्यान रखनी चाहिए। आपको इवेंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा इवेंट मार्केट में उस दिन क्या इंपैक्ट कर सकता है उसकी वोलेटिलिटी पर, उस हिसाब से आपको ऑप्शंस को, अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो वोलेटिलिटी का बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो। तो ये सारी 5 मिस्टेक्स है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग करते हैं, ऑलमोस्ट 80-90% लोग यही मिस्टेक्स करते हैं। तो ये मिस्टेक्स आप क्लियर आउट कर लो तो आपकी जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमें हिट द लाइक बटन एंड कमेंट में मुझे लिख के बताओ और कौन कौन सी वीडियोज देखना चाहते हो। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।